नाम ओम प्रकाश है, जिला क्षेत्र संख्या 15 के हम उम्मीदवार हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हजारों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं। जिला परिषद के लिए सीतामढ़ी में क्षेत्र संख्या 15 के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी अपने तरीके से, कुछ खास अलग तरीके से लोगों से वोट मांग रहे हैं और उनके लिए कई लोग मैदान में उतरे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्षेत्र संख्या 15 से ओम प्रकाश जी के चुनाव प्रचार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है ओम प्रकाश, जो सीतामढ़ी जिला से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद के लिए चुनाव मैदान में हैं। ओम प्रकाश पिछले 3 दशक से अपने क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश क्षेत्र की जनता की तमाम समस्याओं के प्रति बेहद संजीदा रहते हैं और हर किसी की मदद करने को तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र संख्या 15 की जनता उनके साथ खड़ी है। हर कोई कहता है कि ओम प्रकाश का इस बार जीतना बेहद जरूरी है। मेरा नाम फूल कुमारी देवी है, सीतामढ़ी विश्वनाथपुर से डुमरा से हैं, इनको जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए सभी आदमी को वोट देना बहुत जरूरी है। दही का जोरन इतना दीजिए, एक बाद देखिए, तो वही काम एक दारी जनता लोग ओम प्रकाश के ओर नज़र करे, वोट देवे और दूसरे बार से या काम अच्छा लगे तो जिताइएगा, न तो अथवा जो करना होगा वो जनता के हाथ में है। बताते चले कि क्षेत्र संख्या 15 में किसानों की समस्या बड़ी है। इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या भी इस इलाके में विकराल है। ओम प्रकाश और उनके समर्थक कहते हैं कि आज तक जितने लोग जीत कर आए केवल अपनी जेब भरी, जनता की परवाह किसी ने नहीं की। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि आजकल चुनाव में पैसे का बोलबाला है, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता ने खुद चंदा करके उन्हें चुनाव लड़ने को कहा है और इसलिए वो चुनाव मैदान में है। नाम ओम प्रकाश है, जिला क्षेत्र संख्या 15 के हम उम्मीदवार हैं। इस जिले में 38 जिला परिषद क्षेत्र संख्या है और इस तमाम क्षेत्र संख्याओं में हम एक ऐसे उम्मीदवार हैं, शायद ही कोई इस तरह के उम्मीदवार होंगे जो वास्तव में समाज में जो बुनियादी सवाल है, किसानों के जो बुनियादी सवाल है, मजदूरों के जो बुनियादी सवाल है, उस सवाल पर लड़ाई लड़ता हूँ। जिला से लेके, गांव से लेके, देश से लेके, राज्य से लेके विभिन्न जगहों पर सैकड़ों बार धरना, प्रदर्शन, अनशन करने का काम किए हैं। प्रमुख नदी है लखनदेही नदी, जिस जो नदी आज मर्धर हो चुका है, इसके उड़ाही के लिए 4 दिनों तक हमने आमरण अनशन किया। इसके बाद उसे कार्यक्रम प्रगति आया और आज अधर में अभी भी लटका हुआ है, लेकिन एक दिशा में आगे बढ़ा। तो हम लोग आगे भी जब हम जीतेंगे तो यह इलाका जो है वह मूल रूप से खेती पर आश्रित था और खेती पर भी एक बड़ा तबका है जहाँ सब्जी का खेती होता है, लेकिन सब्जी का विधिवत कोई मार्केट नहीं है। सड़क किनारे लोग आते हैं, बेचते हैं, ले जाते हैं, उसके लिए रहने के ठहरने का कोई गोदाम नहीं है, व्यापारी के रहने का कोई गोदाम नहीं है कि ताकि किसान वहाँ जो फसल आज ले गया नहीं बिका वहाँ रख दे फिर कल बेचे, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग जिला परिषद बनते हैं तो सरकार पर एक दबाव बनाएंगे कि इस तरह के जगहों पर एक शेड बनाया जाए जो किसान लोगों के लिए, सब्जी वालों के लिए अलग से एक शेड हो, जहाँ किसान रख के और अपने मन के मुताबिक दाम पर बेचे। और आज परिस्थिति होता है कि जगह नहीं है, इसलिए औने पौने दाम में अंतिम में बेच के भाग जाता है। तो इन तमाम सवालों पर, जो स्कूल के सवाल है, हॉस्पिटल के सवाल है, भ्रष्टाचार के सवाल है, उन तमाम सवालों पर हम लोग लड़ते हैं। आज जो कोई भी प्रतिनिधि होता है वह सोचता है किस योजना में अधिक से अधिक पैसा मिल रहा है उस योजना को ले, और हम लोग कहते हैं जैसे सड़क निर्माण है 40% कहता है काम होता है, 60% कमीशन में चला जाता है। हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग का हाथ में पावर आएगा तो अच्छा सड़क बनेगा, अच्छा स्कूल बनेगा, जो दिखेगा कि वास्तव में यहाँ काम हुआ है। तो ओम प्रकाश के चाहने वाले लोग इस बार ओम प्रकाश के लिए मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि
उनके प्रत्याशी जनता के हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हर किसी की चिंता सहज भाव से करते हैं। इस बार क्षेत्र संख्या 15 के लोगों के कहने पर ओम प्रकाश चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसलिए जनता का खूब समर्थन उन्हें मिल रहा है। मैं संजय कुमार 15 क्षेत्र संख्या 15 से एक गांव पड़ता है लगमा पंचायत, वहीं का मैं वासी हूं और ओम प्रकाश जी को मैं 84 से ही जान रहा हूं। कभी भी ये जात पात की लड़ाई नहीं, जैसे ढंग के मतलब जात पात के विरुद्ध में लड़ते रहे हैं। 84 में ही इन्हें पंचायत भवन में सभी जाति को जैसे बुलाकर और जैसे ढंग के जो नीचे तबके जाति थे उनसे खाना बनवा के और सब लोग के साथ वहाँ खाने का जैसे ढंग के खिलाने का खाने का काम जैसे किए थे, उस समय से ही इनको मैं जान रहा हूँ। और उसी समय से कभी किसी दल में जाने का इन्होंने काम जैसे नहीं किया। जो अपना सोच था, जो अपना सिद्धांत था, जो अपना नियम था, उसी पर आज तक परिस्थिति जो हो उस पर खड़े उतरने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता इनको वोट जैसे करे और इसके बाद जैसे अच्छे काम करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, जातिवाद को ख़त्म जैसे ढंग करेंगे। इसलिए इनको वोट देना हम सबसे आग्रह करते हैं कि इनको वोट जैसे ढंग के देना चाहिए। इनका छाप मकई के बाल छाप है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी की क्षेत्र संख्या 15 में वर्षों से विकास का काम नहीं हुआ है। इस पंचायत के लोगों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ओम प्रकाश की चिंता सिर्फ क्षेत्र के विकास की नहीं है, किसानों को सही समय पर और उचित मूल्य पर बीज, यूरिया खाद और अन्य जरूरी चीज़ें मिल सकें, इसकी भी फिक्र है। इसके साथ ही समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके, इसका भी प्रयास ओम प्रकाश करेंगे। लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद का। हम लोग भी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं और ओम प्रकाश जी का लड़ने का मेजन ये है कि इन्होंने छात्र जीवन से इस हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। गांव के सवाल पर, शहर के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर हमेशा ये आंदोलनकारी रहे हैं। ये जीतते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं जिला परिषद का जो सभा होता है उसमें अपनी बात को रखेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि क्षेत्र संख्या 15 से अगर वह जिला परिषद के लिए चुने जाते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के साथ अपने क्षेत्र में जाति से अलग हटकर एक समतामूलक समाज की स्थापना भी वो करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश जी को लोग कितना पसंद करते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़, चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।